अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल हन्नान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज तारीख के अंदर वुमेन डे जिस तरह मनाया गया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा वुमेन डे हमने आज तक नहीं देखा। आई एम 32 ईयर्स ओल्ड अराउंड। मैं 16 साल का था जब से मैंने होश संभाली है, तो 16 साल के अंदर मैंने ऐसा वुमेन डे आज तक नहीं देखा। जो जुल्म आज वुमेन डे पे वुमेन के साथ हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने जो मुजाहरा किया वो काबिल मज़म्मत है, और मैं बीइंग पाकिस्तानी इस चीज़ की पुरजोर मज़म्मत करता हूँ जो भी आज पुलिस की तरफ से हुआ। पुलिस इसमें कसूरवार नहीं है, इदारा मैं नहीं समझता कि इदारा कसूरवार है। देखें, इदारे के अंदर जो है वो जो सरबरा होता है ना इदारे का, इस सारा कसूर उसका होता है। वो जितने भी आगे लाठी चार्ज करने आए थे और वो सारे बेचारे जो हैं वो क्या कह सकते हैं, जॉब होल्डर थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो मजबूर थे, वो उनकी मजबूरी थी आना और उनकी मजबूरी थी ये शेलिंग करना, सब कुछ करना। देखें, ये सबसे पहले बात करते हैं कि ये ज़रूरत किस लिए पेश आई, क्या ऐसा हो गया था जिसकी वजह से एक शहर के अंदर जो है वो आपको इतना बड़ा इकदाम करना पड़ गया कि आप एक रैली को रोक रहे हैं किस वजह से, जब आपके पास एक इलेक्शन का जो है टाइम भी मुकर्रर हो गया, इलेक्शन की डेट भी मुकर्रर हो गई। तो हर पार्टी का ये हक होता है, आइनी हक होता है कि वो अपना जो है वो अपनी रैली निकाले, अपनी कंपेन शुरू करे एंड ऑल दैट। तो उसको क्यों मना किया गया, सबसे पहला सवाल ये है। जैसा कि हमने आज, मैंने सारा दिन बैठ के टीवी देखा, टीवी के ऊपर जो मुजाहरे देखे, बड़ा दिल दुखा, बहुत दिल दुखा, जो औरतों के साथ जुल्म किया गया और जो कारकुनान के साथ जुल्म किया गया, बिलाल को शहीद किया गया। देखिए, ये सारी चीज़ें देख कर एक ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो क्या सोचते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ प्लेस टू लिव इन। ठीक है, अब ये जो है हमें बड़ा, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो एक कोर्ट्स हैं, अदलिया है, पाक फोर्स है और जितने भी ये हमारे पास डिफरेंट इदारे हैं, हकूमती वफाकी इदारे हैं, जितने भी मतलब हाई अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर बहुत एक बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि वेयर वी आर लीडिंग टू, कहाँ जा रहे हैं हम। इस तरह के हालात पैदा करके क्या हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं या हम मुल्क को जो है वो बदहाल कर रहे हैं। हम ऑफकोर्स अपना जो मुल्क है उसको खोने के लिए जो है वो अपनी तमाम कोशिशें खोने के लिए कर रहे हैं। मैं दो बातें सिर्फ करना चाहता हूँ बीइंग पाकिस्तानी, कि अगर एक पार्टी जिसका पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो पोलिटिकल पार्टी है, मेजॉरिटी उनके साथ, अवाम उनके साथ, जो लीडर हैं, आप कैसे एक लीडर के ख़िलाफ़ इतनी जमातें खड़ी हो सकती हैं और इतने केसेस बना सकते हैं जो कि प्रूव नहीं हो पा रहे। देखें, हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ को प्रूव करना, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो सच पे मबनी नहीं होती तो प्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आप इतने मुहिब वतन हैं जो हुकूमत में हैं, ये 13 पार्टियाँ जो हुकूमत में हैं, आप इतने मुहिब वतन हैं, Why don't you donate by your money? आपके पास जितना भी पैसा है, आप उस पैसे में से क्यों नहीं, आसिफ जरदारी को गरीब आदमी नहीं है, नवाज शरीफ कोई गरीब आदमी नहीं है, इसी तरह बहुत सारे मैं नाम लूँ तो आप गरीब लोग नहीं हैं, आप सारे जागीरदार लोग हैं, आपके पास बहुत बहुत पैसा है, आप क्यों नहीं पाकिस्तान को डोनेट करते, आप क्यों नहीं पाकिस्तान के लिए काम करते। देखें, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान को इमरान खान ने कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं है। अगर पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को प्यार दिया, सपोर्ट दिया, तो उसने आपको शौकत खानम दिया, उसने आपको नमल यूनिवर्सिटी दी है, उसने आपको शऊर दिया है। ठीक है, मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, जो भी मुजाहरा कारकुनान की तरफ से होता है मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप होता है मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करता। हमारा मेरा एक नज़रिया है कि इमरान खान लीडर जो हैं वो एक अच्छे लीडर हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है ना वो किसी चीज़ का नाम है, वो ऐसे नहीं आ जाती। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ऑनेस्टी लगती है, दूसरी अच्छी बात ये लगती है कि वो एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उनसे जो भी बात की जाती है ही इज़ एबल टू एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमने देखा जो है जब ये यूरोपियन यूनियन में गए, वहाँ पर जो इन्होंने तकरीर की, ठीक है, अक़वामे मुत्तहिदा में जो इन्होंने तकरीर की थी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई लीडर ऐसा मौजूद है जो वैसी तकरीर वहाँ पे कर सकता है। ठीक है,
कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। सर उठा, वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि सर उठा के जीना किसे कहते हैं। सर उठा के जीना इसे ही कहते हैं कि आप जहाँ पे भी जाएं, आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करवाएं। अंडर कॉन्फिडेंस आप अपने आप को फील करवाएं कि अपना सर छुपाते फिरेंगे, तो जो लोग सर छुपाते हैं उनको जूते ही ऊपर से पड़ते हैं, उनको जो है वो एक इज्जत की निगाह से कोई नहीं देखता। इमरान खान साहब जब इकतदार में थे, तो मैं बीइंग पाकिस्तानी आपको बताता हूँ, हम ओवरसीज पाकिस्तानी, हमसे लोग मुझसे कई लोगों ने पूछा जब भी हमने बताया कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो वो ये हमें आगे से सुनने को मिलता था जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। तो ये एक फ़र्क है, वाज़े फ़र्क। दूसरी बात ये कि आप जब भी, मतलब जो हुकूमत में इस वक्त लोग हैं, आप लोग एक तज्जिया बयान करते हैं जी हुकूमत इमरान खान की थी तो बहुत महंगाई हुई, महंगाई मुकाओ, मार्च चली, सब कुछ चला। आपने 3 साढ़े 3 साल दिए एक बंदे को इकतदार में आने के लिए, वो चीज़ें अभी सेट कर रहा था, उसके अंदर भी वो आपको तमाम वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था जो कि पॉसिबल हो सकती थी, जितनी पॉसिबल लो हो सकती थी वो आपको प्रोवाइड कर रहा था, आवाम को प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है। आपने आते साथ सब कबाड़ा भी कर दिया, और आपका जो तजर्बा था वो 30 साल था। आप 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपकी नस्लें हुकूमत कर रही हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स कर रही हैं। आपने क्या किया, आपने आके दुगनी महंगाई कर दी। आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर थे, अब आप प्रॉब्लम क्रिएटर बन गए। आपने मुल्क को किस दहाने पर ला के खड़ा कर दिया, आपने अपनी करेंसी गिरा दी, आपने अपनी एक्सपोर्ट्स गिरा दी, आपने अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, और आप क्या चाहते हैं, आपने जितना भी फूड के आइटम्स थे आपने उनको एक्सपेंसिव कर दिया। एक गरीब आदमी अब खाना नहीं खा सकता, जो प्याज के साथ रोटी बेचारा खा लेता था गरीब, वो भी नहीं खा सकता। वेयर यू आर लीडिंग टू दिस पाकिस्तान, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, कि हम इस मुल्क के अंदर जो है वो एक क्या कहते हैं, हमने इस मुल्क को बड़ी मुश्किल से हासिल किया था, बड़ी कुर्बानियों से, बड़ी शहादतों से इस मुल्क को जो है वो हासिल किया गया था। तो जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना ने पाकिस्तान हमें दिया था, क्या हम उसकी हिफाजत उसी तरह कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि हम उसी तरह कर रहे हैं। तो मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, सिर्फ मुल्क पाकिस्तान का सोचें, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, अपनी ज़ात को मफादात पहुँचाने के लिए मत सोचें। आप ये नहीं, आपकी ख़ानदान में कितने लोग होंगे, 10,000 लोग होंगे ख़ानदान में, जितने भी बड़े लोग हैं, ये 4-5 जो बड़े हैंडर्स हैं, कितने आपके लोग होंगे, 5,000 10,000 लोग होंगे आपके पूरे ख़ानदान में। आप उनकी खातिर या उनका मुस्तकबिल या पैसे के लालच में 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो उस 22 करोड़ अवाम को आप ग़ुलामी के अंदर धकेल रहे हैं। थिंक अबाउट इट। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है हुकूमत आएगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इन तमाम चीज़ों से निजात पाएंगे और एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का होगा इंशाल्लाह, और हम मुंतज़िर हैं इस चीज़ के। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।